Hi guys, this is Geeta. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So as you read by the title, today I'm going to show you my footwear collection. And actually this video is requested by some of you. So मैंने सोचा कि let's make this video. And अभी मैंने recently काफ़ी ज़्यादा shopping करी है. तो अगर आपने मेरे haul videos देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने थोड़े footwear में भी invest करा है. And मैं footwear की बहुत बड़ी fan हूँ footwears के लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि footwears बहुत ज़्यादा important होते हैं आपके पूरे wardrobe के लिए. क्योंकि अगर आपको लोकल मार्केट से अगर आप कोई कपड़े खरीद रहे हो तो वो आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, एंड मोस्टली ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा सेल लगी रहती है क्लोथिंग पे. बट फुटवेयर जो है वो आपके लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती हैं. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं फुटवेयर पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो एक अच्छे मटेरियल के हों, एक अच्छे ब्रांड के हों, और बिल्कुल कम्फर्टेबल हों और रीजनेबल प्राइस में मिल जाए. तो मतलब इट्स अ लाइक ग्रेट थिंग. सो या एंड मैंने जितने भी ये फुटवेयर्स लिए हैं वो मोस्टली मैंने सेल सेक्शन से लिए हैं. सारे के सारे अफोर्डेबल हैं, मोस्टली सारे अफोर्डेबल हैं. एंड कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में भी आ गई हैं, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारे कलेक्शन. सो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी कि मैंने कौन सा फुटवेयर कहाँ से लिया एंड कब लिया था एंड कितने डिस्काउंट पे लिया था. सो लाइक एवरीथिंग अबाउट इट. एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फुटवेयर. और जो पहला फुटवेयर है वो है दिस वेरी चंकी स्नीकर्स. और ये मैंने लुलू एंड स्काई से लिए थे ऑलमोस्ट 3 years बैक. सो आई रियली लव दिस शू, क्योंकि इस पर जो कलर्स कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा चंकी लग रहा था. एंड ऐसे टाइप के फुटवेयर्स में मैंने इन्वेस्ट नहीं करा था. एंड उस टाइम पे एक ट्रेंड शुरू हो गया था ऐसे स्नीकर्स का. सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे उनकी वेबसाइट पे. और ऐसे टाइप के स्नीकर्स मैंने अभी तक कहीं नहीं देखे थे. बस मैंने जो देखे थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड ब्रांड पे देखे थे, फॉर एग्जांपल एडिडास और पूमा एंड नाइकी वगैरह पे. तो ये जब मैंने वहाँ देखे तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट, क्योंकि मैंने लुलू एंड स्काई से कभी पहले कुछ ख़रीदा नहीं था. तो ये मेरी पहली परचेज थी वहाँ से, तो इस वजह से मैंने इसको ख़रीदा. एंड मुझे लिटरली ये ऑलमोस्ट अभी तक चल रहे हैं, मैं इसको अभी भी पहनती हूँ. और मैंने इसको ऑलमोस्ट 3 साल तो काफ़ी अच्छे से पहना है और ये हर किसी आउटफिट पे चले जाते हैं इजीली. सो इसको मैंने ख़रीदा था फॉर 1200 रुपीज़, और ये अभी तक मतलब 3 years हो चुके हैं इसको और ये अभी तक बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं. सो आई रियली लव इट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आर अनदर पीस फ्रॉम लुलू एंड स्काई इज़ दिस वाइट स्नीकर्स. एंड इसको भी मैंने अभी रिसेंटली इसी लॉकडाउन में ख़रीदा था. एंड मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और मेरे पास अभी तक वाइट स्नीकर्स नहीं थे, तो ये मेरी फर्स्ट वाइट स्नीकर्स की परचेज थी. सो जो मेरा फर्स्ट परचेज था लुलू एंड स्काई के फुटवेयर सेक्शन से वो काफ़ी टाइम तक चला था, ऑलमोस्ट 3 years तक, मैंने आपको बताया अभी. तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई अनदर पीस, तो इस वजह से मैंने इसको मंगाया. एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगता है ये और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है. और ऐसे टाइप के चंकी स्नीकर्स तो इस टाइम पे भी इन है और काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं. वाइट स्नीकर्स एक्चुअली हर किसी आउटफिट पे चले जाते हैं, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, हाउ टू स्टाइल वाइट स्नीकर्स. अगर आपने प्लीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ गो वॉच इट. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी. सो आपको थोड़े आउटफिट आइडियाज़ भी पता चल जाएंगे वाइट स्नीकर्स को किस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो. सो आई रियली लव इट, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. सो इसमें मेरा साइज़ जो है वो UK 5 है, और पहले वाले शूज़ का भी UK 5 ही था. और फुटवेयर में मैं मोस्टली UK 5 ही पहनती हूँ. एंड कभी कभी ऐसा होता है, डिपेंड्स ऑन दी ब्रांड, कि आप अपने साइज़ के हिसाब से ही परचेज करा करो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टोर पे जा रहे हो तो आप अपना साइज़ चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा साइज़ आपके ऊपर डिफरेंट हो जाता है. सो UK 5 मैंने इसमें लिया था तो मुझे तो परफेक्टली फिट आता है ये. सो या ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फुटवेयर, दैट इज़ दिस ब्यूटिफुल हील्स. दिस इज़ फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर, और इसको मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था. और अभी भी मुझे याद है, मैं एकदम रैंडमली अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी मार्क्स एंड स्पेंसर, और हमें लगा कि थोड़ा एक्सपेंसिव है मार्क्स एंड स्पेंसर, नो डाउट. सो मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेते हैं उनका कलेक्शन. तो मुझे ये सैंडल्स दिखे थे और काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे ये मुझे. सो इसको मैं मेनली अपने ऑफिस वेयर के लिए पहनती हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो प्रिंट हो रखा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस पूरे फुटवेयर की ये लगी, बेसिकली मार्क्स एंड स्पेंसर के जो फुटवेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. मतलब मैंने अभी तक कोई भी ऐसे फुटवेयर एक्सपीरियंस नहीं करे थे, स्पेशली हील सेक्शन में, कि वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. इसके अंदर कुशन कवर है, आई मीन कुशन टेक्सचर है अंदर. आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा ना अगर आप कोई भी उनका फुटवेयर पहनोगे तो. सो मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि ओ गॉड, मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रही थी. सो अंदर से एकदम कुशन टेक्सचर है इसका,
एंड मेरे को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है इसको पहनने के बाद। सो उस टाइम पे उनकी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही थी और इसको मैंने आफ्टर डिस्काउंट आई गेस 1300 का ख़रीदा था और उस टाइम पे मुझे इतने अफोर्डेबल लग रहे थे, तो मैंने कहा कि यार इतने अच्छे हील्स तो मैं डेफिनेटली पिक करूँगी। एंड आप देख सकते हो इसकी जो हील्स का जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है, बिल्कुल भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड द गुड थिंग इज़ दिस इज़ ब्लॉक हील, तो ब्लॉक हील तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है। सो आई रियली लव इट और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मुझे मिल गई। सो या सो बिफोर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट फुटवेयर, आई वॉन्ट टू शो यू गाइज वन स्किन केयर प्रोडक्ट विच मामा अर्थ हैज सेंट मी, एंड दे हैव सेंट मी दिस मामा अर्थ कोकोआ बॉडी लोशन विद कॉफी एंड कोकोआ बटर। सो इट हैज सम अमेजिंग इंग्रीडियंट्स लाइक कॉफी, कोकोआ बटर, शिया बटर एंड ऑलिव ऑयल। एंड मेरी तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मेरी समर्स पर भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है एंड विंटर्स में तो एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। सो ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड सूटेबल है फॉर ड्राई स्किन। मेरी तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगता है मेरी स्किन टाइप के लिए। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज ड्राई स्किन तो आई गेस ये प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो इफ यू नीड दैट एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ इंटेंस मॉइस्चराइजेशन, कोकोआ बॉडी लोशन इज वॉट यू नीड। इन रिच विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ कॉफी एंड कोकोआ, द बॉडी लोशन इज एज इंडल्जेंट एंड इट्स वेरी नरिशिंग एंड इट स्मेल्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। दिस इज क्वाइट लिटरली फूड फॉर योर स्किन। कॉफी एड रिचनेस वाइल कोकोआ बटर, शिया बटर एंड ऑलिव ऑयल प्रोवाइड नरिशमेंट एंड मॉइस्चर। At the same time, the lotion is extremely lightweight, absorbs quickly and doesn't feel greasy. Mama Earth is an Indian brand, PETA certified and plastic positive. Their all products are very natural and away from harmful chemicals. So if you want to get your hands on this product, then you guys can visit their website, that is mamaearth.in, and use my coupon code, that is money20, to get 20% off. And you guys can check their all products on Amazon and FirstCry as well. Okay, so let's move on to our next footwear, which is this beautiful pair of heels. सो दिस इज़ फ्रॉम H&M एंड मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था एंड इसको मैंने परचेज़ करा था फॉर ऑफिस वेयर, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ना बिल्कुल भी हील्स वगैरह नहीं थे और मुझे एक ब्लैक हील्स चाहिए थी। एंड उस टाइम पे मैंने ये H&M पे देखी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए एक ऐसी ब्लैक हील्स जो एकदम सिंपल प्लेन ब्लैक हील्स होती है उनमें इन्वेस्ट करो। एंड इसको मैंने 1499 रुपीज़ का लिया था। सो उस टाइम पे मैंने इसको स्टोर पे जाके लिया था और वहाँ पे कोई सेल नहीं लगी थी, लेकिन मुझे इस पे इन्वेस्ट करना ही था तो मैंने इसको ले लिया था उसी टाइम। एंड द गुड थिंग इज़ ये अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। मैं इसको ऑलमोस्ट, मतलब पूरा दिन पहनती थी ऑफिस में। सो ऐसी टाइप की जो हील्स हैं वो काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते हैं परचेज करना, क्योंकि ऐसी टाइप की हील्स काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं लगती हैं, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती हैं और मैंने इसको बहुत कैरी करा है और अपने शूट्स में भी यूज़ करा है। मतलब ये हर आउटफिट के साथ ईजिली चली जाती हैं। सो रियली आई रियली लव इट। सो आई एम इन द साइज 36 यहाँ पे एंड मैंने इसको स्टोर पे जाके ख़रीदा था तो मेरे को बिल्कुल भी एकदम कोई हसल नहीं हुआ साइजेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारे साइज अवेलेबल थे। सो या ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फुटवेयर एंड आई हैव दिस ब्लैक लोफर्स and I got this from सरोजनी नगर recently। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, हॉल वीडियो, एंड उस पर मैंने ये शूज़ दिखाए थे एंड मैंने इसको भी रिसेंटली सरोजनी मार्केट से ख़रीदा था। सो वैसे मैं सरोजनी मार्केट से ज़्यादा फुटवेयर परचेज़ नहीं करती हूँ, मैं बस अपने क्लोथ्स वगैरह या फिर कुछ भी ज्वेलरी वगैरह या फिर बैग्स वगैरह देखती हूँ, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा फुटवेयर ख़रीदे नहीं हैं। मैं बहुत पहले ख़रीदा करती थी, लेकिन उस टाइम पे उसके बाद से मैंने बंद कर दिया क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा कुछ खास होती नहीं है। लेकिन अभी मैं जब रिसेंटली सरोजनी मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ पे एक लेदर वाला स्टॉल देखा जहाँ पे लेदर शूज़ का स्टॉल लगा हुआ था। देन वहाँ पे मैंने ये शूज़ देखे एंड मैं इतने टाइम से ऐसे टाइप के जो लोफर्स हैं, फॉर्मल लोफर्स हैं, वो ढूंढ रही थी एंड सिमिलर लोफर्स मेरे को H&M में दिख रहे थे फॉर अराउंड 1500 रुपीज़ और उससे भी ज़्यादा महंगे थे एक और मैंने उनको विशलिस्ट कर रखा था। बट ऐसे ही सिमिलर लोफर्स मुझे सरोजनी नगर मार्केट में दिखे और मैंने इसको परचेज़ करा। मैंने उसको वहाँ पे ट्राई व्राई भी करा था तो मेरे को अच्छे से फिट आ रहा था एंड आई लव दिस। मुझे फॉर्मल लोफर्स, फॉर्मल जो फुटवेयर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पसंद हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आई लव दिस। मुझे उस टाइम पे इतने रीज़नेबल रेट में मिल गए थे तो मुझे लगा कि H&M से ख़रीदना ही क्यों है और मुझे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो मुझे सरोजनी में फुटवेयर खरीदने के लिए एक ही ड्रॉबैक लगता है कि उनकी क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट लॉन्ग नहीं करती है। लेकिन इफ़ यू आर परचेजिंग फ्रॉम एनी लेदर सेक्शन, अगर आप वहाँ पे देख रहे हो कोई लेदर शॉप है और आप वहाँ पे चीज़ों को, मतलब अच्छे से देख रहे हो प्रोडक्ट को और अगर आपने उसको पहन के भी देखा है, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो।
लेकिन वैसे मुझे कोई भी फुटवेयर वैसे पसंद नहीं आते हैं वहाँ पे, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे एंड इसको मैंने अभी तक एक या दो बार ही पहना है, बट डेफिनेटली मैं इसको और भी आगे पहनूंगी और ऑफिस में भी पहनूंगी फॉर श्योर। एंड या आई लव दिस एंड आई गॉट दिस फॉर लाइक 250 रुपीज़ एंड ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा रीजनेबल रेट में दिख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी थे, तो मैंने इसको पिक करा। ओके, सो मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट फुटवेयर एंड आई हैव दिस ब्यूटिफुल पेयर ऑफ हील्स फ्रॉम H&M एंड मैंने इसको भी सेल सेक्शन से लिया था और अभी जो इनकी समर्स पे जो सेल चल रही थी, एंड ऑफ सीजन सेल आई गेस, तो मैंने इसको वहीं से पिक करा एंड मुझे इसका कलर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, आप देख सकते हो कि इतना सुंदर कलर है ये, सो मुझे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने इसको परचेज करा एंड उस टाइम पे ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1399 रुपीज़ की पड़ी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद देखा था इसको, इसका प्राइस और भी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, सो ऑलमोस्ट लाइक 600 अराउंड हो गया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, बट आई रियली लव दिस फुटवेयर क्योंकि इसका जो कलर है वो इतना ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट है, इतना ज़्यादा पॉपअप करता है और इसको भी मैंने अपनी वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है। सो अनदर रीज़न वाई आई बॉट दिस फुटवेयर इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैप्स, आप देख सकते हो कि इसके यहाँ पे मतलब डोरी टाइप बनी हुई है और मैंने ऐसी फुटवेयर पे कभी इन्वेस्ट नहीं करा, मैं बस देखती थी कि ओके ग्लैडिएटर्स हो गए या फिर, मैंने कभी परचेज नहीं करे थे, लेकिन मुझे ये H&M पे दिखे तो मुझे लगा कि ओके इसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है डेफिनेटली, तो इस वजह से मैंने इसको पिक करा एंड 1399 रुपीज़ में मुझे ऐसे टाइप के ट्रेंडी टाइप की हील्स मिल गई, तो आई एम रियली हैप्पी और मैंने कभी ऐसे टाइप की फुटवेयर ट्राई नहीं करे थे, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस आउट एंड आई लव एक्सपेरिमेंटिंग विद माई फुटवेयर एंड माई ड्रेसेस वगैरह, सो इस वजह से मैंने इसको पिक करा। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड कलर्स इन टू योर वार्डरोब बिकॉज अगर आप कलर्स ऐड नहीं करते हो तो आपको पूरा आउटफिट थोड़ा बोरिंग सा लगता है, तो इस वजह से मैंने इसको पिक करा था और मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा बोलती भी आ रही हूँ कि प्लीज़ ट्राई मोर कलर्स, क्योंकि कलर्स ऐड करने से ना आपको पूरा आउटफिट इतना ज़्यादा इतना वाइब्रेंट लगता है, इतना पॉपअप लगता है, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ करा एंड आई एम इन द साइज 38 हियर। मैं ऑलरेडी H&M से फुटवेयर परचेज कर चुकी हूँ, मैं वहाँ पे ट्राई भी कर चुकी हूँ कि मेरा साइज़ कौन सा आएगा, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा बेनिफिट हो गया कि मेरे को ईजिली मैं अपने ऑनलाइन परचेज कर पाती हूँ फुटवेयर में। सो या अगर आप कोई भी स्टोर पर जा रहे हो उस टाइम पर, अगर आपको नहीं भी करनी है शॉपिंग, तो बस एक बार ट्राई कर लिया करो अपने फुटवेयर की आपको कौन सा साइज़ आता है इस पर्टिकुलर ब्रांड से, एंड अगर आपको परचेज करना हो तो आप सेल सेक्शन से बाद में भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, तो इट्स वेरी इजी। अगर आप कभी भी स्टोर पे जा रहे हो तो अपना साइज हमेशा चेक कर लिया करो, सो इस वजह से मैंने इसको मतलब मेरे को इजी हो गया काफ़ी इसको परचेज करना। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ ज़ारा कलेक्शन, उसका कलेक्शन मेरा एकदम अलग ही है और आई गेस मैंने अभी रिसेंटली ज़ारा से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, तो मैंने फुटवेयर्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा और काफ़ी ज़्यादा फुटवेयर जो मेरे हैं वो ज़ारा से ही हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू डेफिनेटली एंड लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट पीस फ्रॉम ज़ारा। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल हील्स फ्रॉम ज़ारा एंड इसको भी मैंने अभी रिसेंटली उनकी जो सेल लगी हुई थी तो मैंने उसको वहाँ से परचेज करा था एंड ओह गॉड, मतलब मेरे को ना बिल्कुल भी मतलब प्लान नहीं था कि मैं ये लेने वाली हूँ या मैं कोई भी ऐसी हील लेने वाली हूँ, लेकिन जब मैंने ये कलर देखा तो मुझे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, ये इतना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा था, तो जब मैं इसको परचेज कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं थोड़ा डाउटफुल हो गई थी कि ये मेरे पैरों पे अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा डाउट में आ गई थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो लेट्स ऑर्डर इट पहले और उसके बाद हम देखेंगे कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं। तो जब ये घर पे डिलीवर हुआ था, ओ गॉड, मैंने इसको जब ट्राई करा ना, ये पीस इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, सो मैंने इसको अपनी रीसेंट वीडियोस में भी कैरी करा हुआ है और काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी करा था कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं एंड आई पर्सनली लव दिस पेयर ऑफ हील्स। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगती हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इसका जो साइज़ है वो है 36 एंड उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि ये साइज़ भी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई करा तो ये मेरे को अच्छे से परफेक्टली फिट आ रहा है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इनके यहाँ पे जो क्लोजर है वो यहाँ पे ऐसे हुक वाला क्लोजर है, सो इट्स वेरी इजी टू लाइक एडजस्ट अकॉर्डिंगली एंड आई रियली लव दिस। सो सबसे बेस्ट चीज़ इस फुटवेयर की ये है कि सबसे पहले इसका कलर, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी पॉपी एंड इट्स वेरी आउट ऑफ द बॉक्स एंड द अदर थिंग इज़ इट हैज़ द स्क्वायर टो एंड स्क्वायर टो इस टाइम पे काफ़ी इन है एंड जब भी कोई इसको कैरी करता है तो बहुत ही ज़्यादा शीक और एक एलिगेंट लुक देता है ये, सो आई रियली लव दिस और मुझे ऐसे टाइप के फुटवेयर बहुत पसंद है। सो या एंड आई गॉट दिस फॉर लाइक 1690 रुपीज़, आई गेस 4000 समथिंग इसका प्राइस था एंड उनकी वेबसाइट
वेबसाइट पे, तो आफ्टर डिस्काउंट इतना मुझे वहाँ पे दिखा, सो मुझे लगा कि मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं करा है, तो लेट्स ट्राई दिस आउट। और मैंने इसको जब मंगाया था तो मुझे टोटली वर्थ लगा इसको मंगाना और इतना स्पेंड करना इस फुटवेयर पे। अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसको बहुत ट्राई करूँगी और बहुत ज़्यादा स्टाइल करूँगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट फुटवेयर, दैट इज़ दिस अमेजिंग बूट्स। एंड इसको भी मैंने अभी ज़ारा से ख़रीदा था उनकी रीसेंट सेल से, एंड मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बूट्स की उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जो एक पुराने बूट्स थे वो बिल्कुल भी काम के नहीं थे। और उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फुटवेयर पे, बूट्स पे स्पेशली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वन पेयर ऑफ बूट्स इन योर वार्डरोब, क्योंकि विंटर्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं बूट्स। और इसको मैं डेफिनेटली क्रिसमस पे या फिर न्यू ईयर पे पहनने वाली हूँ। एंड या और इसका जो फिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये पेयर ऑफ बूट्स। और इसको आप देख सकते हो, आई गेस ये चेल्सिया बूट्स हैं। सो इट हैज़ दिस ब्लॉक हील, तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, एंड मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। एंड अनदर गुड थिंग इज़ इट हैज़ दिस स्मॉल स्क्वायर टो हेयर, तो मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था। सो इसका जो साइज़ है वो है 39, एंड इसको मैंने आफ्टर डिस्काउंट आई गेस 990 रुपीज़ का लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई विल कीप द प्राइजेस हेयर ऑन दी स्क्रीन फॉर श्योर। सो या ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट फुटवेयर, एंड आई हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कूल टाइप के चंकी स्नीकर्स, एंड आई गॉट दिस फ्रॉम ज़ारा। और इसको भी मैंने अभी ब्लैक फ्राइडे सेल से लिया था, और अगर आपने मेरी ब्लैक फ्राइडे सेल नहीं देखी है तो प्लीज़ गो वॉच इट गाइज। एंड इसको भी मैंने वहीं से ख़रीदा था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, अप टू 40% ऑफ, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आ जाता है ये फुटवेयर। एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 1950 रुपीज़, और मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बट इफ़ यू आर परचेजिंग फ्रॉम अ गुड ब्रांड तो आपको क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, तो मैंने वही माइंड में रखा। सो मैंने इसको स्टोर से परचेज करा था, तो मैंने वहाँ पे ट्राई भी कर लिया था, तो काफ़ी अच्छी फिट आ रही थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। अंदर से इसका जो टेक्सचर है वो कुशन वाला टाइप का टेक्सचर है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में मिला, लेकिन स्टिल आई गॉट दी बेस्ट पीस। सो या वाइट स्नीकर्स पे इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको दूसरा एक हाई एंड ब्रांड से वाइट स्नीकर्स लिए। सो या ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट प्रोडक्ट, एंड आई हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल पेयर ऑफ बूट्स। एंड मैंने भी इसको अगेन ब्लैक फ्राइडे सेल से अभी रिसेंटली लिया था, इन जो वाइट शूज़ हैं, एंड ये दोनों मैंने एक साथ परचेज करे थे। एंड आई लव दिस, इसका जो टेक्स्चर है वो इतना शाइनी, आप देख सकते हो, आई लव दिस। एंड अनदर थिंग इज़ यहाँ पे स्क्वायर टो हो रखा है, सो इट्स वेरी ट्रेंडी, तो आप हमेशा ना मतलब ट्रेंड के साथ भी चल सकते हो। सो आई रियली लव इट, एंड इसका जो यहाँ पे हील है वो ब्लॉक हील है, सो रियली लव इट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई एम इन द साइज 37 हेयर, और आई गेस थोड़ा सा छोटा है मुझे, लेकिन मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ये। तो मैंने इसको 970 रुपीज़ के लिए, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है, लेकिन स्टिल वर्थ एवरी पेनी। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको मेरी ये फुटवेयर कलेक्शन पसंद आई हो। मैंने तो बहुत टाइम से ये कलेक्ट करती जा रही हूँ, तो मैंने वैसे सोचा नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोगों ने ये वीडियो रिक्वेस्ट करी थी, तो इसलिए मैंने करी। एंड डेफिनेटली अगर मैं आगे भी और कलेक्शन बनाती रहूँगी, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी अपनी फुटवेयर कलेक्शन से। एंड मैंने जो कलेक्शन है ये आपको इसलिए दिखाई क्योंकि अब सेल स्टार्ट हो चुकी है, एंड ऑफ सीजन सेल, एंड ऑलमोस्ट हर ब्रांड पे सेल लगी है। एंड अगर आप फुटवेयर परचेज करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है कोई भी फुटवेयर परचेज करने का, क्योंकि बहुत अच्छी डील्स लगेंगी हर ब्रांड पे। सो या एंड प्लीज़ लेट मी नो आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे मेरे चैनल पे, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।